नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 5:25 बड़ी खबरों से। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, कर्नाटक के सीएम मुंबई आज बेलगावी जाएंगे। शिंदे ने कहा कि एक इंच जमीन नहीं देंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सिंगर मीका की एंट्री, गाना सुनकर आपके लिए मांगेंगे वोट। एनआईए ने आतंकी हरप्रीत को किया गिरफ्तार, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं में था शामिल। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड हिरासत में, गोल्डी बराट को कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया। मूसेवाला के फैंस से डरकर अमेरिका भागा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने की समान नागरिक संहिता की मांग, बोले कोई एक से ज्यादा शादी क्यों करे। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को दिया ऑफर, हमारे 100 विधायक आपके साथ, जब चाहो सीएम बन जाओ। आजम खां का नया वीडियो सामने आया, मंच से लगाएंगे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद के नारे। यूपी कांग्रेस ने नवाब नावेद मियां को पार्टी से निकाला, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं नावेद। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हुई हैं बेहतर, प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु घटी, बोले ब्रजेश पाठक। केंद्रीय मंत्री के सामने एसडीएम ने सरकारी निर्माण कार्यों का उड़ाया मजाक, बोले एसडीएम ने सरकारी निर्माण कार्यों की पोल खोली है। पालतू कुत्तों पर केमिकल वेपन की टेस्टिंग करता था ओसामा, बेटे उमर ने कहा मेरी आंखों के सामने होता था एक्सपेरिमेंट। पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग का खतरा सबसे ज्यादा, आतंकी संगठन टीटीपी बढ़ा रहा है पाक की परेशानी। रूस ने पाक को खाली हाथ लौटाया, क्रूड ऑयल पर भारत की तरह 40% डिस्काउंट मांगा था, पुतिन सरकार ने कहा नहीं देंगे। चीन से पंगा लेकर आग से खेल रहा है अमेरिका, रूस के विदेश मंत्री बोले भारत को हमारे खिलाफ बने गुट के खींच रहे हैं नाटो देश। ब्रिटेन के बकिंघम दम पैलेस में नक्सल बेस शाही परिवार की सदस्य ने इस्तीफा दिया, प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मक्केल ने भी लगाए थे। जापान ने उलटफेर किया और जर्मनी बाहर, जापान ने स्पेन को 2-1 से हराया, जर्मनी को पीछे छोड़ नॉकआउट में पहुंचा स्पेन। सबसे असफल मेजबान कतर 44 साल बाद ग्रुप स्टेज में बाहर हुआ मॉस्को, रोनाल्डो ने रचा इतिहास। बेल्जियम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर, क्रोएशिया ने ड्रॉ पर रोका, पिछले वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर रही टीम। आईपीएल ऑक्शन में 991 खिलाड़ी, भारत ने 714 क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर। मोरक्को ने कनाडा को हराया, फास्ट हाफ 2 गोल कर नॉकआउट में पहुंची टीम, कनाडा बेल्जियम बाहर। सोमी अली ने सलमान खान पर बोला बड़ा हमला, फिजिकल एब्यूज का लगाया आरोप, कहा सालों तक मुझे सिगरेट से चलाया। फिल्म रिलीज से पहले बाबिल ने पिता को किया याद, बोले बाबा हमेशा कहते थे कि अपने अंदर का बच्चा कभी खोने मत देना। तुषार कपूर बना सकते हैं लक्ष्मी बॉम्ब का दूसरा पार्ट, बोले सैटेलाइट चैनलों पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था तो उसका पार्ट 2 मुमकिन है। मां के साथ दिखे हंसिका के मंगेतर सोहेल, सोनी राजदार सोनू सूद समेत मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए थे ये सेलेब्स।
जयपुर पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी, 4 दिसंबर को 450 साल पुराना मुडोरता फोर्ट में सोहेल संग लेंगी साथ फिरे। फिलहाल 5:25 खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प